अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइफ लाइन सां करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बचपन हाज़िर आहे। नाज़रीन, तव्हां ख़बरनि जो प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा। अॼु जेको असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा कैंसर जी बीमारी बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जॾहिं कैंसर जो नालो वरितो थो वञे त काफ़ी जेके बि माण्हुनि में परेशान बि थियनि था ऐं हिकिड़ी ख़ौफ़ वारी ॻाल्हि बि उन में अची थी वञे त कैंसर एॾी ख़तरनाक बीमारी आहे। पर मां चवंदुसि हाणे जदीद साइंसी दौर में कैंसर एतिरी ख़तरनाक न आहे। सिर्फ़ु फ़र्क़ु एतिरो आहे, जेकॾहिं असां जल्दी फौरन कैंसर जी सुञाणप करियूं ऐं उनजो इलाजु शुरू करियूं त हिन बीमारी जो इलाजु बि आहे ऐं हिनखे कंट्रोल बि करे सघूं। त असां जिस्म जे हर हिसे जी कैंसर थींदी आहे, त असां मुख़्तलिफ़ कैंसरनि जी तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं। मुंहुं जी कैंसर आहे, लंग्स जी कैंसर आहे, जिगर जी कैंसर आहे, ॿियो जिस्म जे ॿियनि हिसनि जी आहे, या ब्रेस्ट कैंसर आहे जेका लेडीज़ में तमामु घणी थींदी आहे। त कोशिशि कंदासीं तव्हां ॼाणियो त कैंसर आहे छा, थींदी छो आहे ऐं उन जूं निशानियूं कीअं आहिनि। असांखे कीअं ख़बर पए त कंहिं माण्हू खे कैंसर थी वियो आहे, छो चयो वेंदो जेका आहे जॾहिं शुरू थींदी आहे त ख़बर न पवंदी आहे, ॾाढी देरि सां ख़बर पवंदी आहे। देरि सां छो ख़बर पवंदी आहे, जेकॾहिं कंहिंखे ॻोड़ी थी वई आहे, का ट्यूमर थी वियो आहे, त छा उनखे घुरिजे त फौरन उनजो इलाजु कराए या छॾे ॾे पाण ई ठीकु थी वेंदो। इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि ते असां तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त कैंसर जो बचाव जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, उनजा इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, या उनजी सुञाणप कीअं आहे। इन सिलसिले में अॼु मूं सां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर मोहम्मद अयाज़ बुखेरो, ऐं जेके पाण रिसर्चर बि आहिनि ऐं डॉक्टर साहिब जो ख़ासि तौर ते ब्रेस्ट कैंसर ते हिकिड़ी रिसर्च बि आहे। त डॉक्टर साहिब खे पुछंदासीं त असांजे मुल्क में हिते हाणे कैंसर केतिरी आहे, उनखे रोके कीअं सघिजे थो, उनखां बची कीअं सघिजे थो। त अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वॾी महिरबानी डॉक्टर अयाज़, तव्हां हिते असां डॉक्टर साहिब तमामु हिकिड़ो अहम मर्ज़ु आहे। हर को माण्हू जॾहिं कैंसर जो असां नालो था वठूं, आम माण्हू हुजे उहो बि सम्झी थो वञे त कैंसर हिकिड़ो तमामु मूज़ी मर्ज़ु आहे। सॼी दुनिया जे लाइ इहो मसइलो आहे, असांजे लाइ बि मसइलो आहे। त चयो वञे थो ऐं ॾिठो वियो आहे त उनजो इलाजु कोन्हे, पर जदीद साइंस ते न कैंसर जो इलाजु मौजूदु आहे। पर असांखे उनखे फौरन ऐं जल्दी जेकॾहिं असां उनखे डिटेक्ट कयूं था या सुञाणप करे उनजो इलाजु कयूं था त इलाजु उनजो मुमकिन आहे। कैंसर आहे छा, आम लफ़्ज़नि में असांजे माण्हुनि खे कीअं ॿुधाईंदो? कैंसर असल में इहा बीमारी आहे, हिकु बीमारियुनि जो हिकिड़ो ग्रुप आहे जंहिंमें तव्हांजे जिस्म जे अंदरि मौजूदु ख़लिया तव्हांजे जिस्म जे ख़िलाफ़ु कमु करणु शुरू करे छॾींदा आहिनि। इन लाइ कैंसर जूं हज़ारे लाखें क़िस्मूं आहिनि दुनिया में हिन वक़्तु, ऐं उन में वरी जीअं तव्हां चओ त ब्रेस्ट कैंसर आहे, लिवर कैंसर आहे, या सर्वाइकल कैंसर आहे, माउथ कैंसर्स आहिनि, लंग कैंसर, पर इन्हनि सभिनि जे अंदरि बि जेको कैंसर वरी थींदो आहे उनजी वरी अलॻि क़िस्म हूंदी आहे, उहा बि हज़ारनि में आहे। उहे टाइप्स जेके आहिनि उहे बि हज़ारनि में आहिनि, ऐं इन लाइ हिनखे चवंदा आहिनि हेट्रोजीन डिज़ीज़, माना अहिड़ी बीमारी आहे जंहिंजी का हिन जी का हिकिड़ी सुञाणप कान्हे, पर हिन जूं इलाही सारियूं जेके आहिनि क़िस्मूं आहिनि जंहिंजे करे हिनखे हेट्रोजीनस डिज़ीज़ बि चवंदा आहिनि। सॼी दुनिया में तव्हांखे ख़बर आहे अॼुकल्ह तक़रीबन 14 मिलियन माण्हू जेके आहिनि उहे कैंसर जो शिकार थींदा आहिनि हर साल। पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेके हालात आहिनि, तक़रीबन 3 लख हर साल नवां कैंसर जा पेशेंट ईंदा आहिनि, ऐं चवनि पिया अगरि असां हिनखे कंट्रोल न कयो त अॻियनि 10 खां 20 सालनि में इहो नंबर जेको आहे तक़रीबन डबल थी वेंदो। त इन लाइ ज़रूरी आहे त इन में सभिनि खां इंपॉर्टेंट फैक्टर जेको आहे माण्हुनि खे असांखे ॼाण ॾियणी आहे, ऐं माण्हुनि जो जेको लाइफ स्टाइल आहे, छो जो कैंसर खे असीं रखंदा आहियूं नॉन कम्युनिकेबल, माना न विचरंदड़ बीमारियुनि में रखंदा आहियूं, जेके 4 दुनिया में वॾियूं न विचरंदड़ बीमारियूं आहिनि, डायबिटीज़ ऐं हाइपरटेंशन, ऐं इन खां पोइ कैंसर उन्हनि में शामिलु आहे। त इहो ज़रूरी आहे त असीं उनखे जेको आहे हिन ई स्टेज ते कंट्रोल करियूं। इहे असांजे डेलीअ जे लाइफ स्टाइल, रहण सहण, खाइण पीअण, उथणु वेहण, उन सां हिन जो तालुक़ु इलाही घणो आहे। अच्छा डॉक्टर, तव्हांजे अयास छा तव्हांजी रिसर्च ॾिसे थी त कैंसर जी अॼु रीज़न जी असांखे अञा ताईं ख़बर कोन्हे, को ख़ासि बिल्कुलु हिकिड़ो ठोस सबूत जी ख़बर न आहे छो? ॾिसो, कैंसर जेका डिज़ीज़ आहे उहा मल्टीपल उन जा फैक्टर्स हूंदा आहिनि, हिकिड़ी शइ जे करे कोन थींदो आहे। जीअं हाणे असां वटि जेके नोन फैक्टर्स आहिनि, असांजी सोसाइटीअ में हेपेटाइटिस बी सी इलाही वधियल आहे, तव्हांखे ख़बर आहे 8 खां 9% असांजी पॉपुलेशन जेको इलाही वॾो नंबर आहे हेपेटाइटिस बी सी जो शिकार आहे। असां वटि सिगरेट जी स्मोकिंग इलाही घणो थी थिए, असां वटि टुबैको जेको असीं तमाक यूज़ कंदा आहियूं, खाइण वारो तमाक, जेके पाण ई ॿार जेके अॼुकल्ह पुड़ियूं था खाइनि, गुटको आहे जी, उन खां अलावा जेके कैंसर जा ॿिया फैक्टर्स आहिनि उन में जेका तव्हां ग़ज़ा खाईंदा आहियो या जंक फूड, जंहिंमें बर्गर ऐं पेटीज़ ऐं इहे सभु शयूं, इहे जंक फूड में ईंदियूं आहिनि जंहिंमें फैट्स घणो हूंदो आहे, त उहो कैंसर जो रीज़न आहे। उमिरि वधणु जेको आहे उन सां गॾु कैंसर थियण जा चांसिस वधनि था। फिज़िकल इनएक्टिविटी, माना तव्हां पहिरीं त असांजा माण्हू ॿिन्हिनि में वेंदा हुआ, कमु कंदा हुआ, पर शहरनि में इहो मर्ज़ु ॿियो बि वधे पियो। उन जी वजह शहरनि में वधण जी वरी आहे जो माण्हू एक्सरसाइज़ कोन था कनि, फ्रूट ऐं भाॼियुनि जो इस्तेमालु घटि था कनि। इहे सभु शयूं कलेक्टिवली मिलाए जेको आहे कैंसर जहिड़ी बीमारियुनि खे जनम ॾियनि थियूं। जेको सेल आहे असांजो बॉडी जो, जेको कैंसर जे करे हिकिड़ो इंडिविजुअल सेल आहे असांजो जिस्म जे मुख़्तलिफ़ जा सेल्स आहिनि, उहे डैमेज थियनि था। उन सेल जे अंदरि प्लाज़्मा बि आहे, न्यूक्लियस बि आहे, मुख़्तलिफ़ ॿिए बि शयूं आहिनि, त उहो सेल जॾहिं डैमेज थिए थो, छा उनखे असां ठीकु नथा करे सघूं, या उहो कीअं उन में पोइ वरी मल्टीप्लिकेशन थिए थी?
असल में इन सेल के अंदर जो डिफेक्ट तो अचे वो तो होते जीन्स की लेवल से सही ठीक है वो जेनेटिक लेवल से डिफेक्ट है या खबर अच्छा कान पे जी सकी है तो पेरी हूं जो खैल खलियो आए उन अंदर पेरी चेंज केड़ी जाए ते आई है प्लाज्मा में या न्यूक्लियस में या जहां जो है उन जी जीन जे एलेल में आई है केड़े एलेल में केड़ी जीन में आई है रेसेसिव आए या बी जीन आए उन का पो छा थिंदो है जो वो सेल्स जे के वो एबनॉर्मल ग्रो करण शुरू कंदा उन जा तमाम प्लाज्मा खलिया ब्या तमाम खलिया उन जे करे एबनॉर्मल उन जे ग्रो जी ता के रेड ब्लड सेल्स बुदायो दा उन होदा गाढ़ा जे के खलिया उन खून या तो वे छा थिंदा जैसे कैंसर थी वो पेशेंट के तो वे इलाही घना ठहन लगन वे मेच्योर को एकड़ी खास स्टेज तंदा वा तुम्हारी बॉडी के डैमेज कर टुटन शुरू थी उनको सिस्टम है असो सेल साइकिल अस जैसे चवंदा तो नॉर्मल सेल ठहन खत्म या घट थी वा सफा उन हिस्से में जो डिफेक्टेड सेल्स वे इलाही घना ठहन शुरू थी वा उन्हें गो गो अस प्रोसेस हों इंसान की जिंदगी जी है तो इंसान जमंद है पैदा है वरी वो उन्हें वही गुजारे वो इन तरह सेल जब खलियन में सिस्टम हों तो जो डिकेइंग प्रोसेस हों डेथ सेल डेथ जो होंगी है वो नॉर्मल तरीके से कानी है उनके असं एपोप्टोसिस चवंदा सेनेसेंस चवंदा ऑटोफेजी चवंदा नेक्रोसिस चवंदा तो वो प्रोसेस वो सजो चेंज थी वो हाँ जो खलिया इंसानी जिस्म के अंदर जो नवा खलिया ठहन पे उन्हें कैंसर ट्यूमर के करे उन्हें ट्यूमर में निकरन पे उन्हें डिफेक्ट के करे एकड़ो सेल जने खराब थे तो वरी पाड़े वाले बी के खराब तो करे वरी जी के बीमार तो असल में बधाई दो तो ये सबनी के बीमार तो छा उन के अंदर छा तो निकरो को केमिकल सन छा निको पाड़े वाले जो को सेल उन के पाड़े में उन के डैमेज तो करे नहीं का खबर पिया थिए तो एक मैसेज है ना सेल खलियन के अंदर एक मैसेंजर्स हूँ अच्छा ठीक है वे मैसेज कन्वे कंदा खलिये के अंदर एक नंढड़ो पार्टिकल हों ठीक है जैसे असं मैसेंजर्स चवंज एम एन एम आर एन एज हूँ उन अलावा उन जीन्स हूँ जीन्स के मैसेज हों उन मैसेज में गड़बड़ थी वी है हाँ जैसे वह गड़बड़ थी वी सेल जो नॉर्मल फंक्शन है जो साइकिल है वो सजो डिस्टर्ब है जैसे कर जिते जिते उन ग्रोथ थी वी वह बेन हिस्सों के इफेक्ट कहती वी जो लिवर कैंसर है हाँ तबर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उन कैंसर माइंड में सभी का घड़ा सर्वाइकल कैंसर जो बचेदाणी कैंसर जिनके पा चवंदा सारी दुनिया में इन कंट्रोल रखा तो उन वैक्सीनेशन करा छो अनफॉर्चुनेटली अस अटो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन एतरी कॉमन कान थी है जैसे हाँ अस सर्वाइकल कैंसर उन स्क्रीनिंग भी असा मानू को कन उनमें वो वायरस वही उन हिस्से की जो जीन्स हैं उनमें उनके डिफेक्टिव कर छींद है जैसे कर पर अगर तीमार सेल आ वो पंजे पाड़े वाले सेल के बीमार तो करे जी बिल्कुल छको केमिकल रिलीज थी उनन के डैमेज कना केमिकल्स तो टॉक्सिंस उनन के असि चवना हां वो रिलीज ना होता टॉक्सिंस रिलीज थी ना नहीं देखो जरूरी कोने ता केमिकल रिलीज थी मजे की गाली है अच्छा यो थे तो सके सेल के अंदर जो सेल ठहे पियो उन सेल में उन न्यूक्लियस के अंदर ही वो डिफेक्ट अची हुआ है हां ओड़ा सब सेल ठांदा विंदा ठीक है ओड़ा ही सेल टाना भी नहीं वो बॉडी के अगेंस्ट ही कम करण शुरू करे छदीना अच्छा ट्यूमर जी सूरत गोड़ी जी सूरत इख्तियार करना मतलब बगे गोड़ी उकड़ी थी वो एकड़ी जाते एक्युमुलेट थी विंदा वो उनकी प्रोडक्शन साइड थी विंदी है उन साइड में वो वधंदा विंदा नहीं उन का एकड़ी साइड पो बी साइड जके सी प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड्स चमना आयो तो प्राइमरी जेदी माल छो जो असान लेट डायग्नोसिस आए तो इलाही दफा इन थी जो पेशेंट्स की खबर ही कान पवंदी है प्राइमरी साइड कड़ी है पेशेंट इंदो है लिवर कैंसर से गुड खबर पवंदी है तो उनके यूरिटर कैंसर हो इनिशियली वो जो लिवर में हो वो यूरिटर में जैसे कंप्लेन थी तो वो इंदो है वो तो मेटास्टेसिस ठीक है मेटास्टेसिस जो देखो हाँ। स्टेजेस हैं एकड़ी जो है वह लोकलाइज है बी तीन जर्नलाइज है जैसे जर्नलाइज थी तो एंड स्टेज फोर या फाइव वेव में अची बी शी है तो जो तुम ब्रेस्ट कैंसर की गाल कई या बिहार के कैंसर्स काफ़ी अड़ा कैंसर्स आज जो बेनाइन आन बेनाइन जो मतलब है तो वे लाइफ थ्रेटनिंग को जिंदगी के डायरेक्ट इफेक्ट को कन पर वे ही प्रोस्टेट कैंसर असान लाइ घो है जो मर्दन में थोड़ा है माइंड में सर्वाइकल हों बया कैंसर्स हूँ तो इन में बेनाइन भी हूँ हाँ मतलब अड़ा हूँ जो कैंसरियंस न हूँ उनमें कैंसर कुछ में कैंसर होंगी कुछ में न होंगी ट्यूमर की शिकल सब अख्तियार कह अच्छा इन वक्त ब्रेस्ट कैंसर केतरी है कुछ इन बारे में तक है कॉलर आगे शामिल हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम केर साईं किथां कराची का नालो साईं मोहम्मद रफी बिकक बड़ी मेहरबानी मोहम्मद रफी बिकक तक फोन कई अज अस कैंसर से गाल रहा हूँ डॉक्टर अयाज अस कैंसर के बारे में रफीक तुम कुछ सवाल जी जी सवाल कर सवाल यो है माइलोफाइब्रोसिस कैंसर जो टाइप है या यो कैंसर का अलावा बी का बीमारी है तो प्लीज उन ब्रीफली बुझाई
ठीक है तांगे जवाब जो वरी मेहरबानी रफीक तां सके फोन की तां जी वरी मेहरबानी रफीक को कराची का रफीक बेकक ए उन का पूछो तो जो माइलोफाइब्रोसिस थीदान ए छ कुछ मुंह में थीदान मुख्तलिफ जगह ते थीदान छ सिर्फ ये पान छालिया जो मुंह में थीदान चिगम खान सा या जो गुटको खान सा थीदान या या के सबब न असल में इन जनरल टर्म यूज कई है माइलोफाइब्रोसिस वो मुख्तलिफ जगह कैंसर से थियो दी सके या बिनाइन थियो दी सके असान छ जो आजकल मुंह जा कैंसर वधन पे इन ला शायद इन यो क्वेश्चन रेज कयो है डॉक्टर साहब इन में जो अदे नालो छ सॉरी रफीक रफीक साहब इन में मसलो यो थिंदो है माइलोफाइब्रोसिस अगर जै पेशेंट के तो उनका पेरी उन्हें हिस्ट्री कलेक्ट करनी पवी है दिसो पवन तो वो फाइब्रोसिस की उनकी हिस्ट्री है उन्हें में समटाइम्स जो थी है, तो तुम कैंसर कैंसरस फाइब्रोटिक टिश्यूज भी उन अंदर थो था सकन पर नॉर्मली या कंडीशन है या ए कैंसरस कंडीशन है यो तुम बुधा छा पर अगर उन अगर बी शॉल्व थो थी वन तो इट कैन बी लीड टुवर्ड्स कैंसर तो इन लिए जरूरी है तुम उन प्रॉपर जो है डायग्नोसिस करा जो मानू है वो वे कंसल्टिंग डॉक्टर ना वे उन्हें टेस्ट थी है उनकी स्केल स्क्रीनिंग थी है वह स्क्रीनिंग करे वो तक बेहतर बुधाइंद तो आइदर ये फाइब्रोसिस ये कैंसरस अक्सर दिखो वो जी मूल गुटको खाइन या पान खाइन कराची में या ठटे में तो उनको मुँह के अंदर बिल्कुल फाइब्रोसिस मुझे कहते रफीक ढो जबरदस्त सवाल कर इतने अड़ा पेशेंट मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जिना में ये फाइब्रो कैंसर मुँह उनको नो खुले उनका फाइब्रोस ठही कैंसर इन कंडीशन मूँ अच्छा पर इन ये प्रीखंड पर इन टेस्ट या जैसे वो बायोप्सी कराइन था तो उनमें कैंसर इन में मूँ तक मिलता वो दंद के इन पास बिन पास या मुँह नो खुले मुँह बंद ये सब तो ही साइड होंगी तो ओपनिंग प्रॉपर को ये सिम्टम्स एंड टुवर्ड्स कैंसर बिल्कुल यू कैन नॉट बी श्योर ना 100% चई ना दूँ पर उनके बायोप्सी करा जिस तीन तुम प्रॉपर स्क्रीनिंग न करा स्क्रीनिंग सभी का बेस्ट अवेलेबल मेथड बायोप्सी तुम बुधा छो है जबरदस्त तो मतलब जो फाइब्रोसिस उन्होंने तो जरूर सोचो जहन में तो यो कैंसर थी सके थिकनिंग ऑफ स्क्रीन थिकनिंग ओके अच्छा डॉक्टर साहब ब्रेस्ट कैंसर केतरी आए कुछ इन बारे में तहकीकात आन जी ब्रेस्ट कैंसर जो असट लेट एज में घनी है नंडी एज में एतरी कान होंगी नंडी एज में जो इन में रीजन्स उ सेम आन इन में सिम्टम्स ढा ऑबियस असो छो कल्चर अड़ो इन माय लिखा इन में स्किन थिक थियण शुरू थी वी है निपल गोड़ी ठहन निपल्स में डिस्चार्ज इन है तो निपल तो हो पर बे पास हो तो गोड़ी गोड़ी ठहनी है रेडिशनेस थन वे हिस्से में छाती वे हिस्से में तीन रेडिशनेस जैसे अचे तो तुम डॉक्टर वो उनके वही दिखारो इन की प्रिवेलेंस असरी घनी रिपोर्टेड कान है वक्त पर हाँ ग्रेजुअली इन केसिस वन पड़ी वही वजह इलाई घनी चई वी है तो थन न पियारण थन न पियारण पे बार यो भी रीजन है पर मेन रीजन्स बयान मेन रीजन्स जो डाइट में जो है फैट ठीक है अनहाइजेनिक शमाल कर माइंड में भी अजक च्यूइंग अची टुबैको च्यूइंग अची वही है इलाई घनी हेपेटाइटिस बी सी इवन ये भी इनमें इन्वॉल्व हैं यो कैंसर छाती जो भी थे लिवर जो थो तो सके कें शो भी थो सके पर डाइट फैट जो यूज किया है जिकने का गोड़ी एजिंग ब्रेस्ट में का गोड़ी ठई हुई या तो छा वो फॉरेन उनके के डॉक्टर दे बन जे या का इन्वेस्टिगेशन कराए का अल्ट्रासाउंड को मेमोग्राफी कुछ थिंदो जी हां यो बेहतर आए तो ता उने पंजी अगर डॉक्टर तांगे सजेस्ट करे तो ता मेमोग्राफी जरूर करायो देखो कुछ जेको ताजा सिस्ट हुंदी हन ताजी बॉडी में हर मानो जी ट्यूमर हुंदा ठीक है वो बेनाइन किस्म या हुंदा त डॉक्टर उने जी असेसमेंट करे तांगे प्रॉपर गाइड कंदो अगर हु तांगे चे तो मेमोग्राफी कराणी है तो पो ता जरूर मेमोग्राफी करायो ए पंजो कंप्लीट इलाज करायो मजे की गाल ये है त जेके ब्रेस्ट कैंसर्स हन वो ट्रीटेबल एंड मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स इन द वर्ल्ड आर ट्रीटेबल अच्छा डॉक्टर साहब ठीक है हाँ जो नंडे नंडो है ट्यूमर हाँ स्टेज से अचूँ कैंसर जो वन स्टेज वन आ टू आ थ्री आ फोर में पर अस ब्रेस्ट कैंसर हुए या भी पर मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर में या बेन में असो मरीज जो वो थर्ड ए फोर्थ स्टेज में अचे तो छो ना पे बी स्टेज में अच्छा जैसे नंढड़ी गोड़ी आ नंढो ट्यूमर आसान इग्नोरेंस ज्यादा है इग्नोरेंस पाए अनअवेयरनेस पाए फेयर फैक्टर पाए ये सब शूं मिलाए जो है बीमार के शायनेस है असा बीमार के एस्केलेट कन थी इन में डिफरेंट कैटेगरीज होंगे स्टेज ठीक है ना ब्रेस्ट के लिए ब्रेडीज कैटेगरीज यूज थी डिफरेंट किस्म कैटेगरीज जी अस इस्तेमाल क्या डिजीज कैटेगराइजेशन प्रोटोकॉल्स होंगे डिफरेंट
मसलो यो है असा वो तो मानन के जान कान बिल्कुल सही बचो जिनके जान है उन अंदर वो डप है उन अंदर एक हया जो चो या शाइनस हालांकि हया जो को ताल्लुक होने इलाज करा पर अस जो मायूँ आन खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड गाल कस तो इलाही लेट बुधाई थी यूरिट्र कैंसर सर्वाइकल कैंसर इनमें तबर है इलाही लेट अच्छा इन यो सबब थी तो तकलीफ कोसूर को ठीक है नंढड़ी गोड़ी पर जैसे वह वही थी वे जैसे उनमें सूर तकलीफ थे तो जैसे वह पेनफुल थी वे जैसे उन डिस्चार्ज थे तो नासूरे शिक्र इख्तियार कर तो मजबूर सब इलाज था कराएं जी बिल्कुल कराइन पर उन्हें लेट थी चुको हों तो बेहतर है तो तुम पछतायो इन का पे इनिशियल स्टेज से तक का शै एबनॉर्मल है का भी अड़ी शेका पेरी तां जी कान हुई जिस्म में आई हाँ मौजूदा तो उन्हें जो इलाज करन कुर्दी आई तकलीफ भी दे तांगे खास तौर सां पोत इलाही जरूरी है वो जरूरी है इलाही कुड़ो कलर आसान कर हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम साईं केर था गलायो किथा मुजा भा नजीर अहमद सगर साईं मटियारी का बड़ी मेहरबानी नजीर अहमद ता असा के फोन कई आज असा कैंसर ते गला रहया हूं डॉक्टर अयाज मुस्तफा असा ना गडा छा पुछंदो जी जी मुजो यो पुछना मुजी कजन ने थे यो वात में की गोरी निकली पया उन के लास सा कराची वे आसी जियादीन हॉस्पिटल में उन्होंने असा के चयो तो ता जे को वनी करे ईएनटी जो डॉक्टर का उन दी बायोप्सी करायो ठीक है बायोप्सी जे सैंपल उन का को असा के वदी खबर पन त इन में छा है मतलब या केड़ी बीमारी है छा मतलब बायोप्सी कराए ता एकड़ो असा वट बाराड़ी में आम तौर पे डप्पा तो बायोप्सी कराए सा यो कैंसर फैल जी वेंदो आ सही इन जे बारे में डॉक्टर साहब पुछा करना सी है कैंसर जे स्टेज जे बारे में बुदायो स्टेज 1 2 3 यो छा है बिल्कुल बुदायो असा वट आम तौर पे ये केसेस थिना त मानु इलाज ही कोन कराईना सही बिल्कुल जे करे जे कुछ यो वदी वेंदो आ यो थोड़ो इन ते रोशनी बिल्कुल बुदायो तो बड़ी मेहरबानी ता के हाने डॉक्टर अयाज मुस्तफा ऐसा मुझे पेरी भी यो सवाल हो त मानू चवंदा जेकर असा बायोप्सी कराइंदा से तो यो मरीज हुंदा यो वडो खौफ आ जे भाऊ गाल के असा व्या से असा बायोप्सी कराया पर छा बायोप्सी करण वाकई खौफ वाली गाल आ तो खौफ वाली गाल इन लाइक कोने जेस ताणी ता बायोप्सी कोन कराइंदा ता के डिजीज कंफर्मेशन की मिलंदी त कैंसर आ जाना तेन के तमाम जरूरी आ पर यो चे दो ना को वदी थी वडी कैंसरस त कानो जे अदा या चीज तो एको फाइब्रोसिस जी गाल कई हर फाइब्रोटिक जको लीजन हुंदो आ या बॉडी में किथे जके ता के फाइब्रोटिक ओन टिश्यूज न मुजा उन पर उन कैंसर न था इने मतलब त जेकर बायोप्सी कराए तो उन सा वदी तो कोंदी न सो उन में अगर वो मेटास्टेसिस अची चुका पो तो ता कुछ कौन था कर अगर लोकलाइज्ड है तो उनके रिमूव करे छदीना नॉर्मली अगर नंडी हुंदी है इलाही गोड़ी तो उनके तो हो ही रिमूव करे छदीना पर अगर मल्टीपल गोड़ी हुन तो बायोप्सी जरूरी हुंदी है स्टेज छा है स्टेज बारे में पूछन तो जे छा है या स्टेज यो है तो डिजीज प्रोग्रेशन इन सा खबर पंदी है तो बीमारी केतरी वधे पई स्टेज 1 2 3 में ए बी सी हुंदो है वरी 4 जदे एकड़े रीजन में एकड़े बॉडी के ऑर्गन में डिजीज बे पासे ट्रांसफर थी तो वह 4 और 5 से अची वी है तो इन के असं ये नाला डींदा इन हवा से जी मेल स्टेज 4 2 के नॉर्मली कैंसर क्रॉस कह तो मेटास्टेसाइज थी जनरलाइज जनरलाइज इन 2 ती तो उनके कंट्रोलेबल है कॉलर भी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर मैं तनवीर तो गल कराची में बड़ी मेहरबानी जी तनवीर सवाल ता जो सर असन ये रिलेटिव आ उन के ब्रेस्ट में तो माना गोरी हुई को असन साल अंदर में डॉक्टर है दिखारे होते जी रुबीना कुमरो ये कराची मशहूर है बिल्कुल आए तो उन्हें दिखारे उन्हें के टेस्ट भी कराता था उन्हें जो कुछ को रहे मगर साल गुजरी हो और कभी भी माना उन कंटिन्यू सूर रहंदो तो है सही वरी हां रिसेंटली भी दिखारे हो उन्हें जो तो माना को मसलो ना मगर ना वो डॉक्टर शास्त्रापर चेक न था कन जेकर मसलो ना है तो को यो सूर छोतो रहे यो भी न था बुदा बचे हां मुख्य है मुझे सवाल है तो ब्रेस्ट में सूर भी आए गोड़ी भी आए बई शयो आए हां गोड़ी भी आए सूर भी आए मगर डॉक्टर दिसी जाए चेन ता तो कुछ ना है डॉक्टर रफीना तमाम सिटी प्रोफेसर है तमाम सिटी सर्जन है वो मुनोट हजारन जी तदाद में मरीज इंदन वो जेकर दिसी चवे थी ना है तो बिल्कुल ना होतो छो अल्ट्रासाउंड में बायोप्सी कराई था न बायोप्सी वगैरह न कराई शुरुआत था फाउंड डॉक्टर साहब ता के चयो त ता बायोप्सी करायो न डॉक्टर साहब को इलाज ता के नहीं के दवाओं के बियो न न कुछ भी न हण छा चई त ता वरी मोट अचो या के बे डॉक्टर के दिखारे वरी चो त वरी सालो को चेकअप करा वरी तो अल्ट्रासाउंड कराए खनी अचो ठीक है ता जो जी त
उम्र केतरी आ तां जे मरीज दी उम्र केतरी हुंदी तकरीबन 26-27 ठीक आ तां के जवाब दी वडी मेहरबानी तां असा के कॉल के डाड जबरदस्त सवाल ब्रेस्ट कैंसर जे हवाले सा डॉक्टर रफीना तमाम सुठी सर्जन आए कैंसर जे हवाले सा हजार इंतदान मरीज दिसे थी जे मरीज दी उम्र 30 साल का नंडी हुजे उन में मेमोग्राफी न कंदान मा तां उन में अल्ट्रासाउंड कयो विंदो आ त अल्ट्रासाउंड दे मुझे ख्याल में जेकरे सूर थे पियो कें भी ट्यूमर में कें भी गोड़ी में तो छा वो कैंसर है नॉट नेसेसरी दिसो थियो से का नर्व आ वो दबजी वई हो जे जई तरीके से बुझाइन पे डक्ट से भी ट्यूमर थी ना जी प्रोफेसर जेके डॉक्टर रफीना है तमाम सुठी एक्सपीरियंस ताई अगर वो चवन पियो तो यकीनन उन जेका उन जी मॉर्फोलॉजी दिठी हुंदी अपीयरेंस दिठी हुंदी उन बेस ते ही चवनदी पई हूं तो मुझे ख्याल में इनके परेशान थण की जरूरत कोने आई उनके कंटीन्यूअसली फॉलोअप में रखन जी मैडम चयो है इनके जी फॉलोअप में रखन का एडी कंडीशन थीनी तो ऑब्वियसली हो इनके जो फर्दर जो अच्छा सवाल इनके जो परेशान है तो सूर न थो जी सूर वो कें डक ते अगर कुछ थी वो है बिनाइन किस्म की सिस थी वो प्रेस थी करे उनके तो वो नॉर्मली एडवाइज यो कंदान तो उनके रिमूव करे छदीनान पर हाँ यो डिपेंड हों जो डॉक्टर यो तो वही डॉक्टर डिपेंड सर्जन वधिक बेहतर समझे तो मुझे ख्याल में डॉक्टर साहब जी जो भी चवण उन अमल कर का परेशानी की गाल्ह कानो बो भी कॉलर असा कर हेलो अस्सलाम वालेकुम वही मेहरबानी हूँ छा पुछंदो डॉक्टर साहब का बीमारी शुगर को ब्लड प्रेशर या हाजमो खराब अड़ी किस्म की तकलीफ है माथे में गर्माइश तमाम घनी थी वही है तमाम घनी थी है इने करे कमजोरी थे थी इने करे कमजोरी थे थी हां इने करे आई मना खट ते वही है उठम रात वाली मना चक्कर था जन तो उम्र ता घनी बुदाए 8-8 साल 28 साल कम छा कंदो है तम किराना स्टोर है ठीक है के डॉक्टर के दिखा रहे थे कोई डॉक्टर का ता एडवाइस वर्थी है हां बस दवाऊं खाऊं था जान था बस दवा खा दे दे वाजो था दवाऊं दिसो जन था लिखी बस दवा खानी रहा जाऊं बाकी जगह टेस्ट शुगर टेस्ट कराईया आई है दवाऊं खाने दा को फायदा थे तो दवाऊं खाने दा का फायदा थे बस सही हाल है मना एक दोस्त दस लेनी टेबलेट स्कैम टेबलेट उन ते मना स्कैम 40 पावर दी जगह टेबलेट आउट तो कुछ फर्क आया बाकी मना बी का दवा खाऊं था तो चलो ठीक है ता के जवाब दियो बड़ी मेहरबानी ता असा के दादू का फोन के ता बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब ढो जबरदस्त सवाल आ इन जवाब दूँ था वो ब्रेक ब्रेक का भाव के जवाब दूँ था नाजरीन वक्त थोड़े ब्रेक जो वेलकम बैक नाजरीन अच्छा पेंजे गालिन जो सिलसिले बिहर पेंजे मेहमान सा शुरू कयो डॉक्टर अयास वक्फे सा पेरी सवाल हो दादू का फोन हुई कमजोरी थे 28 साल जी उम्र शुगर भी कोने ब्लड प्रेशर भी कोने हाजमो दुरुस्त ना है तो उठा तो ये समझे तो टंगन में तकलीफ आ या वो कमजोर हन इनके एडवाइस कंदो करे चे तो मुख्तलिफ डॉक्टर के दिखारियो दिखारो या दिखारो या तानो खबर ना है हाजमे सा खबर पई थी जो मेन प्रॉब्लम जी आई जो है ता खबर है जी आई टी ए प्रॉब्लम जे करे इने किस्म जो जो क्रॉनिक थी वने ते इने किस्म जो इश्यूज जे करे इश्यूज थी दान बिल्कुल थी मेरे ख्याल में इन के खपे के सही डॉक्टर डवनी पेरी पांच के बड़े शहर में अची पंजी टेस्ट शहर में जी पांच स्क्रीनिंग कराइन प्रॉपर टेस्ट कराइन हेपेटाइटिस बी सी जा पांजो डाइट कंट्रोल दिसन पांजो बीएमआई वगैरह चेक कराइन ये सब शय जे जो प्रॉपर असेसमेंट थीनी तो ने का पो खबर पवंदी इनके कड़ी बाकी या भी कैंसर ना एटलीस्ट या कान भी वने जो अदो चे पे फर्दर जी मेल कंप्लीट इन जी असेसमेंट थी वही तो असमट थी मानू असल में ना मानन के डप घणो हुंदो आ कैंसर जो ता है डिजीज के बुधना आन तो जने भी असा के एकड़े टॉपिक ते गलांदा है तो मुख्तलिफ कलर मुख्तलिफ बिया भी सवाल असा के ना जाहिर एज अ डॉक्टर ता या मुखे उन जो जवाब देनो असा आया सी भी ब्रेस्ट कैंसर जी गाल भी जिका थी तो जे ता उन के जवाब में तो मैडम जो को भी ता उन जो ते छा जने असा नंडी उम्र में 26 साल 25 साल में ब्रेस्ट कैंसर जिका थी ते छा अड़ो को तरीको है उन जी फॉरन स्क्रीनिंग थे
पहिरीं ॿिए स्टेज में इलाज थिए अहिड़ा के तरीक़ा आहिनि तव्हां ॿुधाए सघो था साईं नाज़रीन? जी बिल्कुलु, इन जो आसान तरीक़ो मां तव्हांखे ॿुधायो। जेॾीमहिल जीअं ई तव्हांजी स्किन जेको आहे ब्रेस्ट जी उहा थिक थियणु शुरू थी वञे, ठीकु आहे, या गोड़ी तव्हांखे जेका तकलीफ़ ॾियणु शुरू करे, या ॻाढ़ाइण अची वञे, रेड रेड स्पॉट अचनि, या तव्हांजे निपल मां डिस्चार्ज शुरू थिए, ठीकु आहे, त इन मां को बि सिम्पटम या ॿ सिम्पटम या हिकिड़ो सिम्पटम अचे त इहो बहितरु आहे त तव्हां इंतज़ारु न करियो, पंहिंजी कंहिं डॉक्टर वटि वञो। अगरि तव्हां 30 सालनि खां घटि आहियो त तव्हांखे ख़बर आहे पोइ उनजो प्रोटोकॉल डिफरेंट हूंदो, तव्हांखे अल्ट्रासाउंड वग़ैरह कराईंदा। अगरि तव्हां 30 सालनि खां मथे आहियो त पोइ तव्हांजी मेमोग्राफी ऐं ॿियूं शयूं अडॉप्ट कंदा, उहा अप्रोच अडॉप्ट कंदा, ऐं ज़रूरत हूंदी त तव्हांखे ट्रीटमेंट ॾींदा। जीअं हिकिड़ी अधीअ जो हुननि ॿुधायो त डॉक्टर साहिबु चयो आहे त हुनखे ट्रीटमेंट जी ज़रूरत कान्हे, त हिन जो मतिलबु आहे त हुननि जी जेका हुननि क्लासिफिकेशन कई हूंदी उहा कैंसरस हुन में कान ईंदी हूंदी, जंहिंजे करे हुननि हुननि खे का बि दवाई एडवाइस कान कई आहे। मतिलबु इहो आहे त जेकॾहिं कंहिंखे बि का अहिड़ी नंढी वॾी ॻाल्हि नज़र अचे, को ट्यूमर नज़र अचे, त फौरन तव्हां चवण कंहिं डॉक्टर ॾे। असल में इहो असां छा भला सभई माण्हू सभई लेडीज़ स्क्रीनिंग कराए सघनि थियूं, इहो पॉसिबल आहे न? सभिनि खे त असांजो न को एतिरियूं रिसोर्सिस आहिनि, न को असां वटि एतिरियूं फैसिलिटीज़ आहिनि, अगरि सच ॻाल्हाइजे। इन वरी जंहिंखे तकलीफ़ न आहे त तकलीफ़ कोन्हे त उहो बिलाव जा न वञे। इहे 4-5 मेन सिम्पटम्स आहिनि, अगरि कंहिं माण्हूअ खे थियनि था त उहे ज़रूरु कराए। जीअं सर्वाइकल कैंसर जी वञे तरह ब्रेस्ट कैंसर खां पोइ आहे सर्वाइकल कैंसर असां वटि इलाही वधे पियो, ऐं उन वटि असांजी स्क्रीनिंग कान थींदी आहे। सॼी दुनिया में साल में इनखे मुंहिंजे ख़्याल में 1 या 2 दफ़ा स्क्रीनिंग रिकमेंडेड आहे जेके मायूं आहिनि शादीशुदा आहिनि। जीअं एजिंग एज वधंदी आहे, एजिंग फैक्टर सां गॾु हिन जा चांसिस जेके आहिनि उहे वधी वेंदा आहिनि इन कैंसर जा। इन ई तरीक़े सां ब्रेस्ट कैंसर आहे, इहे जेके मायुनि जा जेके कैंसर्स आहिनि या जेके डायरेक्टली रिलेटेड आहिनि मायुनि जी जनरेटल पार्ट सां, लेडीज़ जे पार्ट सां, उन्हनि खे इहो खपे त उहे पंहिंजी कंहिं क़िस्म जी का चेंज महसूसु कनि पंहिंजी बॉडीअ में। जीअं मायुनि खे मेंस्ट्रुअल पीरियड हूंदा आहिनि, माहवारी जेके चवंदा आहियूं, उहा माहवारी अचानक बीहो थी रहे, पोइ वरी अचानक शुरू थी थिए। हिकिड़ो त असीं चवंदा आहियूं त ठीकु आहे त नॉर्मल, ठीकु आहे नॉर्मल, फिज़िकल चेंज महीने ई जाए, महीने में 2 दफ़ा बि अचे, 3 दफ़ा बि थिए, त उहो ज़रूरी आहे। त उहे कुझु मायूं जीअं असां वटि इलाही सारा अहिड़ा केसिस रिपोर्टेड आहिनि ऐं असांजे एरिया में छो जो ॼाण माण्हुनि खे कोन्हे, उहो चवंदियूं आहिनि जॾहिं मेनोपॉज़ल एज में हूंदियूं त असांजी माहवारी बंदि थी वई, उन खां पोइ अचानक हुननि खे शुरू थी वेंदी आहे, उहो हुनखे रिपोर्ट कोन कंदी। अच्छा, को अहिड़ा तरीक़ा आहिनि जीअं असां कैंसर खां बची सघूं, अहिड़ा के तरीक़ा आहिनि? जी बिल्कुलु, कैंसर खां बचण जा आसान तरीक़ा आहिनि। उन में तव्हांखे पंहिंजो लाइफ स्टाइल चेंज करिणो, भाॼियुनि जो इस्तेमालु घणो करियो, फ्रूटनि जो इस्तेमालु घणो करियो, पंहिंजी फिज़िकल एक्टिविटी हलणु फिरणु घणो करियो। उन खां अलावा इहे जेको टुबैको जो इस्तेमालु आहे, जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं इहे तंबाकू खाईंदा आहिनि, इहो न खाइनि। ऐं ॿियो जेको असांजे अर्बनाइज शहरनि में जेको असांजी पॉपुलेशन में इहो फैट फूड खाइण जो कॉन्सेप्ट आहे, तरियल शयूं खाइणु, ॻोठनि में पाण त इलाही वधी वियो आहे, बर्गर खाइणु, इन्हनि सभिनि शयुनि जो इस्तेमालु अगरि असीं घटि करियूं त असां बिल्कुलु कैंसर जेके वधनि पिया जंहिं तेज़ीअ सां उन्हनि खे घटि करियो था सघूं। इहो ज़रूरी आहे जी, बिल्कुलु। इहो अच्छा, इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि जदीद साइंस में, कोई इलाज जा तरीक़ा आहिनि? इलाज हिन जा 3-4 प्रोटोकॉल्स आहिनि जेके दुनिया में हिन वक़्तु एस्टेब्लिश आहिनि, ठीकु आहे। हर कैंसर लाइ हर में थोरी घणी चेंज आहे, पर एट लार्ज हिन में सर्जरी थींदी आहे, ठीकु आहे। तव्हां उन पार्ट खे रिमूव करे छॾियो, छो जो एबनॉर्मल ग्रोथ आहे न, उहा ॿियनि पार्ट्स खे इफेक्ट कंदी बहितरु आहे। उन खां अलावा रेडियोथेरेपी आहे, उन खां पोइ कीमोथेरेपी आहे, पर जेका रिपोर्टेड जेका चवणु घुरिजे त जंहिंसां फ़ाइदो घणो थिए थो माण्हुनि खे, उहा सर्जरी आहे, अगरि उहा इनिशियल स्टेज में। इन लाइ चवनि था स्टेज 2 ते अगरि आइडेंटिफाई थी वञे उन खां पहिरीं त उनजी रेडियोथेरेपी सां सही थियो थो सघे, कीमोथेरेपी उन में सक्सेसफुल आहे, साइबर नाइफ हाणे अची वई आहे, उन खां जेका सर्जरी जो जेको नओं आयो आहे, त इनिशियल जेतिरो जल्दी तव्हां डायग्नोस कयो ओतिरो ई तव्हांजो प्रोग्नोसिस माना उन में बचण जा चांसिस घणा हूंदा उन बीमारीअ खां। देर न करणु, लेट न करणु, जेकॾहिं आख़िरी स्टेज में अचे त पोइ फ़ाइदो न आहे इलाज जो। आख़िरी स्टेज तव्हांखे सच ॿुधायां, जेके असीं मेडिकल में चवंदा आहियूं पैलिएटिव केयर कंदा आहिनि, असीं रुगो सिम्पटमेटिव केयर कंदा आहियूं, त रुगो पेशेंट जो तकलीफ़ घटि कंदा आहियूं, पेशेंट जी तकलीफ़ उन जो इलाज उन स्टेज ते तक़रीबन नामुमकिन थी वेंदो आहे, छो जो हुन बॉडीअ जा ऑर्गन हुन में इन्वॉल्व थी चुका हूंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ जाइनि ते कैंसर वियल हूंदो आहे। कैंसर जी दवाउनि जो नुक़सान इहो आहे त उहा रुगो कैंसर वारे पासे खे कोन साड़ींदी या ख़तमु कंदी आहे, उन जे आसपास जेके बि सेल हूंदा आहिनि सभु ख़तमु करे छॾींदी आहे। हाणे 4-5 जाइनि ते कंहिं माण्हूअ खे मेटास्टेसाइज़ थी वियो आहे, या 3 जाइनि ते या 2 जाइनि ते लिवर में थी वियो आहे, त पंहिंजे तव्हांजो छा चवनि जिगर हिन में मथे वारे हिसे में डक्ट में थी वियो आहे, लंग्स में थी वियो आहे, त उन खां पोइ तव्हां कुझु कोन था करे सघो, त उन लाइ पोइ छा थींदो? कहिड़ी स्टेज में थींदो, सेकंड में, थर्ड में?
मेटास्टाइज सेकेंड स्टेज का शुरू थी वो है ठीक है ना पैं लोकलाइज हों माना उन ही हिस्से में वो जो है ग्रोथ पे कह जनरलाइज थी वो थ्री फोर फाइव आखिर में लिम्फ नोड की जो है टेस्ट क्या लिम्फ नोड टेस्ट क्या तो कैंसरसन या ना इनलार्जमेंट चेक थी है बेसिकली उन एरिया में लिम्फ नोड्स होंदियों उनका सैंपल वी बायोप्सीज वी उन्होंने चेक कबो है तो अगर पैं तो यो है तो उन साइज तो कौन पे वे अगर लिम्फ नोड जो साइज वे पे तो उन्हें जो है चेक कबो है तो ये जो साइज है वो बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट को बो रीजन है या उन वजह यह है तो कैंसर बढ़ी वो वही तो ये टे चार हर साइड से अलग जो है स्ट्रक्चर्स हों या मेंटल केक्स हों पास पास से जी मल तो यूरिटर वगैरह तो हर कैंसर जहाँ पैंजा पैंजा इनमें कुछ जनरल मार्कर्स हैं जहाँ सी ए वन टू फाइव हों यो जनरल मार्कर है कैंसर जो पर यो अगर पॉजिटिव अचे तो जरूरी को कैंसर है जो अदा चो ना तो फाइब्रोसिस हाँ कें फाइब्रोसिस है अस यो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं इन असल में क्लियर तो करना चाहिए तो अगर वो चे तो माइलोफाइब्रोसिस है माइलोफाइब्रोसिस बेसिकली कैंसर है ठीक है पर अस इतने जे वो फाइब्रोटिक लीजन्स हूँ या वो जी उन्होंने ग्रोथ हिंदी है या येलोइशनेस असो प्रोग्राम तो मूँ उनके स्टार्ट का कैंसर समझा माइलोफाइब्रोसिस तो स्टेम सेल कैंसर है क्रॉनिक डिजीज है पर अगर रुगो फाइब्रोसिस है तो उनके तुम माइलोफाइब्रोसिस को सोचिए बेहतर है तो क्लियर कर चाहें उन्हें अगर सी ए वन टू फाइव वगैरह मार्कर्स पॉजिटिव पाया तो नेसेसरी को तो वो कैंसर ही है उन्हें फर्दर रूल आउट थे घुर्ज उन्हें चवन तो बायोप्सी थे घुर्ज उन्हें इलाज सजेस्ट अच्छा में भी कैंसर तो बारन में खबर है अजकल जो है रत जो कैंसर इलाही वधल है अगर अस जो नंढा बार हों साल का नंढी जिनकी उम्र होंगी है उनमें वजह जो है रेडिएशन होंगी या डिफरेंट जो अस अल्ट्रासाउंड बे टेक्निक्स उन्हें चवंदा तो रेडिएशन जो डिफरेंट हैं वह समटाइम्स माँ के एतो इफेक्ट को जो उन्हें बार के इफेक्ट कर छींदन तो बार में ब्लड कैंसर्स वगैरह अचन पे पर 1% का घटन उनके अगर प्रॉपरली जो फैमिली है वह जो चव ना तो प्रिकॉशनरी मेजर्स खड़े माना एहतियाती तदाबीर अगर तुम पूरी खड़ो तो उन्होंने चवंदा शुरू में कैंसर विचड़ बीमारी ना पर उनके बावजूद सारी दुनिया में ऐसा बढ़ी रही है छो ॾिसो कैंसर न विचरंदड़ बीमारी है पर इहा थींदी विचरंदड़ बीमारियुनि जे करे थींदी आहे हेपेटाइटिस बी सी विचरंदड़ आहे ठीकु आहे अच्छा इन कंट्रोल कीअं थियो न विचरंदड़ बीमारी हा वधी इन लाइ रही आहे जो वरी हिन में हेरिटेड हूंदी आहे इनहेरिटेड डिज़ीज़ जेके तव्हीं चवंदा हिकिड़ी त ऐं ॿी हूंदी आहे एपीजेनेटिक असां वटि जेको आहे हाणे एपीजेनेसिस इहा हूंदी आहे त डायरेक्ट कंहिं केमिकल इंडक्शन जी वजह खां सनलाइट एक्सपोजर जी वजह खां ओवर अल्कोहल यूज़ एंड स्मोकिंग जे करे या ॿिया जेके फैक्टर्स मां डिस्कस कया एज सां गॾु तव्हांजो इम्यून सिस्टम डाउन थींदो आहे उन डिफेंस डिफेंस मैकेनिज़म उन जो कॉम्प्रोमाइज़ थींदो आहे त इहे मल्टीपल फैक्टर्स हूंदा आहिनि उहे बेसिकली जेको आहे उहो कैंसर खे प्रोपेगेट कंदा आहिनि पर कैंसर उन्हनि कुझु बीमारियुनि मां आहे जंहिंजे कॉज़िस में कम्युनिकेबल जेके आहिनि उहे डिज़ीज़ शामिल आहिनि वॾो उनजो वॾो पोर्शन जेको आहे उहो रिलेटेड आहे हुन सां जेॾी महिल तव्हां ॾिसो पाकिस्तान में सालाना लख खां मथे माण्हू मरी वेंदा आहिनि कैंसर जे करे ऐं जॾहिं तव्हां उन कैंसर जी बायफर्गेशन कंदा त मुंहिंजे ख़्याल में हेपेटाइटिस बी सी जे करे हाणे उहो रेशो वधंदो वञे छो जो जेके डिज़ीज़िस आहिनि सर्वाइकल कैंसर वधंदो वञे ओरल कैंसर वधंदो वञे ओरल कैंसर वधंदो वञे कैंसर छा जे करे लंग्स जी कैंसर हो त वो सब खां मथे आ ठीक आहे उन खां पोइ तां अचो लिवर कैंसर आहे ब्रेस्ट कैंसर आहे मुख़्तलिफ़ आहिनि कैंसर त कैंसर त तव्हां इस्पताल में वञी ॾिसो तव्हां बि ॾिठो हूंदो त हर क़िस्म जा मरीज़ तव्हां वटि हुते मौजूदु हा जी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आहे ठीकु आहे हेपेटाइटिस बी सी आहे त सभु कीअं हिकिड़े आम माण्हू खे ख़बर पए त मुंहिंजे जिस्म में कैंसर अची वई आहे पहिरीं त इहो सुवालु आहे इन में ॿ टे सुवाल आहिनि छो न हुनखे तकलीफ़ थी सघां थो कैंसर तरीक़ो आहे जीअं मां तव्हांखे चयो कैंसर जेका हिकिड़ो त हेट्रोजीनियस डिज़ीज़ आहे ऐं शुरूआति में हीअ एसिम्पटोमेटिक हो आहे ठीकु आहे शुरूआति में हिन जी ख़बर कान पवंदी आहे हिकु त पहिरीं त इहा पर मुख़्तलिफ़ टाइपनि जा कैंसर आहिनि जीअं ब्रेस्ट कैंसर जी तव्हां डिटेल सां ॻाल्हि कयो ॻोड़ी थी थिए स्किन थिकनेस थी अचे इहे सभु सिम्पटम्स अचनि जॾहिं स्टेज टू थी अचो वञे इहो बि तव्हांखे ॿुधाए छॾियां शुरू में ख़बर थिकनेस जॾहिं स्किन जी अची वई त माना स्टेज टू क्रॉस थी वई आहे ठीकु आहे इन ई तरीक़े सां लिवर कैंसर जॾहिं हेपेटाइटिस बी सी जंहिंखे आहे त उनखे इन शइ जो ख़्यालु रखिणो आहे त मूंखे कंहिं तरीक़े सां हिकिड़ो सवाल इहो आहे त तव्हांजे वारे हिकिड़ो शुरू में जेकॾहिं ॻोड़ी आहे त उहा असांखे स्टेज वन में ख़बर ई नथी पए मरीज़ खे हिकु त इहा त हू डॉक्टर ओकेजनली पइजी वञे ॿियो जेकॾहिं कंहिं मरीज़ वञी पंहिंजी कंहिं डॉक्टर खे चेक बि कराए त क्लिनिकली उहो डॉक्टर कुझु डायग्नोस करे सघे थो क्लिनिकली ॾिसो डॉक्टर्स जेके बि हूंदा आहिनि असांजे हिकिड़ो त
असांजा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स असांखे खपे त अहिड़ा ठाहियूं त डॉक्टर जेके विसल ब्लोइंग ज़रूरु कनि, जेके असीं अंग्रेज़ी में चवंदा आहियूं त घटि में घटि उहा ख़तरे जो अलार्म ज़रूरु वॼाइनि। पर असांजा डॉक्टर इहो ई सवाल आहे त ख़तरे जो अलार्म कीअं वॼाइबो आहे? जॾहिं बि का शइ नॉर्मल खां एबनॉर्मल वारे पासे वञे पई त उहो तव्हां लाइ ख़तरे जो अलार्म आहे। ठीकु आहे, तव्हांखे इवन तव्हांखे इलाही घणी कमज़ोरी बि फील थिए, जीअं अदा ॿुधायो सही हो, हू वञी पंहिंजी स्क्रीनिंग कराइनि। इन जो इहो मतिलबु कोन्हे त हुनखे कैंसर थी वियो आहे, पर इहो हिकिड़ो प्रॉब्लम त आहे न। हाणे उहो जी आई जे करे आहे, जी आई टी प्रॉब्लम आहे, पेट जी तकलीफ़ आहे, ॿियो कुझु डॉक्टर डायग्नोस करे सघनि था। क्लिनिकली इनिशियल स्टेज ते ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे। ठीकु आहे, ऐं असां वटि ऑनकॉलोजिस्ट त हर जाइ ते कोन वेठा आहिनि। ठीकु आहे, ऑनकॉलोजिस्ट वटि त केस वेंदो ई सेकेंड ऐं थर्ड स्टेज खां पोइ आहे। त इन लाइ बहितर आहे त सभिनि खां सुठो सिहत जो ज़ामिन इंसानु पाण हूंदो आहे पंहिंजी ज़िंदगी में। स्क्रीनिंग उहो उन वक़्तु कराए जेॾी महिल हुनखे फील थिए त का शइ एबनॉर्मल आहे त उहो ज़रूरु डॉक्टर सां कंसल्ट करे। शुरूआत में ख़बर न थी पए, पर सेकेंड स्टेज ते पोइ क्लिनिकली या कंहिं ॾिसो अहिड़ा सॼी फुल बॉडी तव्हांजी जेको आहे स्क्रीनिंग थींदी आहे। सॼी दुनिया में अहिड़ा मैकेनिज़म अवेलेबल आहिनि, पर पाकिस्तान में इहो इलाही महांगो प्रोसेस आहे ऐं इलाही सारियूं शयूं हिते थी बि कोन सघंदियूं आहिनि। ठीकु आहे, सो इन लाइ बहितर इहो हूंदो आहे त तव्हां जा त उहो शयूं एडॉप्ट करियो पर तव्हां कैंसर ताईं पहुचो छो था? अगरि तव्हां प्रिवेंटिव ऐं जेको एहतियाती तदाबीर इस्तेमालु कयो त तव्हां कैंसर खां हूअं ई पंहिंजे पाण खे 70-80% बचाए सघो था। डॉक्टर साहिब, त कैंसर जो रीज़न जी ख़बर न आहे, जेकॾहिं कंहिं मरीज़ खे थी थी वञे त उनखे बि ख़बर न आहे त मूंखे थी वई आहे। सेल हिकिड़ो सेल नंढड़ो जॾहिं उहो बीमार थियणु शुरू थियो, जेसीं उहो वञी कंहिं ट्यूमर या ॻोड़ी जी सूरत इख़्तियार करे त वॾो टाइम थो लॻे उनखे। बिल्कुलु, आम माण्हू खे ख़बर बि नथी पए। जिन माण्हुनि खे नॉर्मली कैंसर थिए पियो उनमें इहे 4-5 शयूं कॉमन ॾिठियूं टाइम ख़तम थियो। ॾाढो सुठो ज़बरदस्त तव्हां मुख़्तलिफ़ कैंसर ते असांखे ॼाण ॾिनी ऐं तव्हांजो मैसेज छा हूंदो, पैगाम छा हूंदो पंहिंजे माण्हुनि जे? मुंहिंजो पैगाम इहो ई आहे त कैंसर बि हिन कैंसर जो इलाजु बि अवेलेबल आहे। अगरि कंहिं माण्हू खे कैंसर ख़ुदा न ख़्वास्ता थिए थो त हू पंहिंजो प्रॉपर इलाजु कराए ऐं कोशिशि करे त ॿियनि माण्हुनि खे इहा ॼाण ॾिए त हुन जेके बद एहतियाती कई आहे पंहिंजी ज़िंदगीअ में, चाहे उहा खाधे में कई आहे, चाहे उहा उथण वेहण में कई आहे, चाहे उहा हलण फिरण में कई आहे, त ॿियनि खे उहो मैसेज, छो जो असां वटि हिन सभिनि खां ज़रूरी ॻाल्हि आहे त असीं पंहिंजे माण्हुनि खे ॼाण ॾियूं त जेके असांजी ईंदड़ नसल आहे उनखे घटि में घटि इन्हनि बीमारियुनि खां बचाए सघूं। वॾी महिरबानी तव्हां हिते असां आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, डॉक्टर अयाज़ मुस्तफ़ा सां गॾु हो, जेको असां कैंसर जे बारे में ॼाण ॾियो। ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई, कैंसर मुज़िमर ज़रूरु आहे पर शुरूअ में ख़बर नथी पए। पर असांखे होशियारी सां पंहिंजे खाधे पीते ते, पंहिंजी रहणी कहिणी ते नज़र रखणी आहे। जेकॾहिं कंहिं क़िस्म जी का ॻोड़ी आहे, का तकलीफ़ आहे, त फौरन पंहिंजे डॉक्टर खे ॾेखारियूं, उनजी इन्वेस्टिगेशन करायूं त जीअं शुरूआती मरहले में इन बीमारी खे पकिड़े सघिजे ऐं उनजो इलाजु कराइजे। ऐं डॉक्टर साहिब, जिन ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद भशपा खे इजाज़त ॾींदा। अलाह हाफ़िज़।